आए दिन कई प्रकार की जानकारियां हमें प्राप्त होती है। खाने से संबंधित जानकारियां, स्वास्थ्य सुझाव, सुविधाजनक जीवन के लिए नए खोज और आविष्कार इत्यादि। ऐसी ही जानकारियों के बीच में मैंने अपने आप को पाया। पहले एक ग्रुप ने कहा कि चावल खाने से शुगर बढ़ सकता है, तो तुरंत सुझाव आया कि चावल के बदले रोटी खाओ। फिर दूसरे संघ ने कहा कि चावल और गेहूं दोनों का असर एक समान होता है, तो सुझाव आया कि ज्यादा सब्जियां खाओ। सब्जी ज्यादा खाने पर सुझाव आया कि केवल ऑर्गेनिक सब्जियां खाओ, क्योंकि बाकी सब में कीटनाशक दवाइयों का भंडार होता है। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे ग्रुप से हुई जो अपने ही छत पर खुद फलों और सब्जियों को उगाने, घर में मुर्गी जो कि मांस और अंडे दोनों प्रदान कर सके उसको संभालने का प्रचार और प्रोत्साहन करती थी। जब इन सब बातों से मेरा मन उब गया तो मैंने सोचा कि कुछ खाने से बेहतर यही होगा कि हम पानी पीकर जिएं। मगर उस पर भी मुझ पे जानकारी के नाम पर पाबंदी लगाई गई। एकदम से सुझाव आया कि मुझे केवल एरो टेक्नोलॉजी युक्त पानी के फिल्टर से ही पीना चाहिए, मगर दूसरी ओर से खबर आई कि यह विज्ञान पानी के पोषक तत्वों को मिटा देती है, जिसके कारण भविष्य में कई हड्डियों से संबंधित मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है। यह सब जानकारियां प्राप्त करके मुझे एक बात जरूर समझ में आई कि दुनिया का दिया और स्वीकारा हुआ ज्ञान आज सही है तो कल गलत। इस ज्ञान का कोई भरोसा नहीं, मगर जो ज्ञान सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर का दिया हुआ है वो ना केवल अटल है मगर अटूट भी। तो आइए इस दुनिया के दिए हुए जानकारियों पर अपने जीवन का मोल तोल ना करके प्रभु परमेश्वर के दिए हुए वचन पर अपना भरोसा कायम रखते हैं।